नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में और मैं हूं आपके साथ चीनम शर्मा। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सतीश जोशी जी, जिनके साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है, उसके बाद बात करेंगे राशिफल की, यानी कि आपकी राशि के अनुसार आपका आज का दिन कैसा बीतने वाला है। इन तमाम चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की पंचांग के साथ। आचार्य जी, क्या कहता है आज का पंचांग? आज 15 अक्टूबर दिन मंगलवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष की आज द्वितीय तिथि है। आज अश्विन नक्षत्र है, अर्थात गणमूल नक्षत्र है। आज जिन बच्चों का जन्म होगा, उन बच्चों के जन्म को गणमूल दोष की पूजा लगेगी। आज वज्रयोग है, पूरा दिन रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। आज का राहु काल रहेगा दोपहर 3:10 से लेकर 4:40 तक। और आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में आज दिशाशूल है। अति आवश्यकता में आप उत्तर दिशा की यात्रा करें। यात्रा प्रारंभ करने से पहले इष्ट देव को नमस्कार करें, मिष्ठान ग्रहण करके घर से निकलें तो निश्चित रूप से प्रभु की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। आज सर्वार्षी देव है। आज का शुभ समय रहेगा प्रातः 10:20 से लेकर 12 तक। और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 से लेकर 12:50 तक। ये समय भी बहुत ही उत्तम है। इसमें आप किसी प्रकार का मांगलिक कार्य शुरू कीजिए, निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा से उस कार्य को सफलता मिलेगी, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की भांति है जो सभी प्रकार के दोषों को काट देता है। तो इसमें कोई भी कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आज का पंचांग आपने जाना। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो है आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं राशिफल की। जी हाँ, आपकी राशि के अनुसार आपका आज का दिन कैसा बीतने वाला है, ये भी जानते हैं आचार्य जी से। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा रहेगा। दफ्तर में काम की अधिकता आपको रहेगी, सहकर्मियों से अनबन हो सकती है, धैर्य से आपको काम लेना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। निवेश में आज आपको जरूर लाभ मिलेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, छात्रों की परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में वशिष्ठ अधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज शुभ समाचार मिल सकता है। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा थकान भरा रहेगा। किसी दोस्त से मुलाकात तो हो सकती है, इसके साथ ही धन की हानि का योग भी बन रहा है। छात्रों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को आज शुभ समाचार मिलेंगे। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी, धन लाभ भी हो सकता है। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा किसी के पचड़े में बिल्कुल न पड़े, समस्या बढ़ सकती है, विवाद बढ़ सकता है, आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। साथ ही इस राशि के लोगों को आज धैर्य बनाए रखना चाहिए और संयम से काम जरूर लें। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा। संतान की मदद मिलेगी, घर में सुख शांति वगैरह माहौल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, दिन भर सकारात्मक आप रहेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। मकर राशि वाले कारोबारियों से आपको लाभ होगा, उनके काम में बढ़ोतरी होगी। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को आज शुभ समाचार मिलेगा, यानी आपको सर्विस मिल सकती है। धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में काम आसानी से निपटेंगे, छात्रों को सफलता मिलेगी, धन लाभ हो सकता है, परिवार के साथ समय भी अच्छा बीतेगा। मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा थकान भरा रहेगा। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं, परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे।
कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन शुभ रहेगा। आज आप पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपके ऑफिस में सहकर्मियों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। परिवार वालों के साथ आज का दिन शानदार बीतेगा। बिल्कुल, तो जाना आपने आचार्य जी से कि आज का आपका दिन कैसा बीतने वाला है आपकी राशि के अनुसार। अब बात करते हैं हमारे विषय की, और आज का विषय जो है वो विषय ये है कि अगर आपका मन किसी काम में नहीं लगता, इस पर भी जाएंगे। उससे पहले कार्यक्रम की पहली दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ, अनीता। स्वागत है अनीता जी आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। जी नमस्कार जी। बेटे के बारे में पूछना था जी। बोलिए जी। उसकी शादी के बारे में पूछना था जी, कब होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जन्म समय, जन्मदिन। 30 नवंबर 1990 जी। 30 नवंबर 1990 सुबह 7:30 बजे शुक्रवार। बिल्कुल ठीक है। देखिए, इनके जन्म कुंडली में अभी विवाह की दशा नहीं चल रही और थोड़ा सा केतु खराब है, इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, हम अपने मन में ऐसे विचार उत्पन्न कर लेते हैं, लड़की ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी है, यानी 10 चीजें मन में बिठा लेते हैं, परंतु समय अपने का तो कोई वो नहीं है जी। समय को देखते हुए इसका फरवरी के बाद योग बनेगा और तुरंत रिश्ता हो जाएगा, तुरंत ही शादी हो जाएगी। फरवरी तक आप मंगल ग्रह का उपाय कीजिए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और मंगलवार को कुत्तों को मीठी गुड़ की रोटियां जरूर खिलाएं। इससे क्या है, घर में मांगलिक कार्य जल्दी होता है, क्योंकि मंगल थोड़ा खराब है इसलिए मांगलिक कार्य में देरी होती है। रिश्ते जरूर आते हैं पर फाइनल हो नहीं होता, कभी उनकी तरफ से कभी आपकी तरफ से, क्योंकि मंगल ग्रह जब भी खराब होता है तो मांगलिक कार्य में रुकावट पैदा करता है। आप ये उपाय कीजिए और नए साल में इसका विवाह जरूर हो जाएगा। और इसी के साथ कार्यक्रम की अगली दर्शक जुड़ गई हैं, सीमा जम्मू से। स्वागत है सीमा जी आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप। जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। हाँ जी गुरु जी, बेटी के लिए पूछना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जून। हाँ जी। 2002। हाँ जी। दोपहर को 3:15 बजे। बोलिए। हाँ जी, इसके लिए पूछना था इसके ग्रह कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब भी राहु खराब होता है गोचर में या शनि खराब होता है, बच्चों में संस्कार की कमी आ जाती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, क्योंकि ये समय थोड़ा रहता है, क्योंकि अच्छी दशाएं भी थोड़े समय रहती है, खराब दशाएं भी थोड़े समय रहती है, क्योंकि नौ ग्रहों ने कभी ना कभी गोचर करना होता है। प्रत्येक ग्रह अपना अपना फल देते हैं, सूर्य भगवान जैसे देते हैं, जैसे चंद्र देते हैं, उसी प्रकार से जो पापी ग्रह हैं राहु केतु शनि, ये भी जीवन में जरूर आते हैं, ये भी अपना बुरा प्रभाव जीवन में कभी कभी जरूर देते हैं, चाहे बचपन में दे, युवावस्था में, वृद्धावस्था में दे। तो इस प्रकार बच्चे का अभी राहु खराब चल रहा है तो मन विचलित रहेगा, पढ़ाई में मन कम लगेगा, चिड़चिड़ापन गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि राहु ये चीज़ें दे देता है। आप बच्चे के हाथ से उपाय करवाइए, 1 किलो जो शनिवार को जल प्रवाह कराएँ, बच्चे को केसर का तिलक जरूर लगाएं, जिससे इसमें धैर्य आएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, आपकी आज्ञा का पालन करेगा और 2021 के बाद इसका समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी, तो इसी के साथ कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं विजेंद्र मध्य प्रदेश से। स्वागत है विजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं, मेरा जन्म है 2 अगस्त। हाँ जी। 1952 11 बजे रात्रि। हाँ जी जी। हमारे पैसे कुछ फंस गए, वो वापस कब मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए जन्म कुंडली में जब भी लाभ स्थान की दशा आती है, लाभ ग्रह की दशा आती है, तब ही पैसे की प्राप्ति होती है। अभी वो दशाएं आपकी थोड़ी दूर है, प्रयास जारी रखें, अप्रैल के बाद वो दशाएं आएगी और अप्रैल के बाद पैसे मिल जाएंगे। हो सकता है पैसे आपके थोड़े थोड़े मिले, किस्तों में मिले, इसलिए पैसा प्राप्ति के लिए आपको उपाय करना चाहिए। वीरवार को थोड़े चने की दाल 200 ग्राम मंदी में रखें, इसके करने से बृहस्पति महाराज प्रसन्न होंगे, बृहस्पति महाराज स्ट्रांग होंगे, क्योंकि पैसे का आगमन बृहस्पति महाराज ही देते हैं।
ये उपाय करिए, आपके पैसे जरूर निकलेंगे। बिल्कुल, तो आज के विषय की हम बात कर रहे थे कि बहुत ही जेन्युइन सी प्रॉब्लम है आजकल, जो है काम में मन नहीं लगता। इसके पीछे क्या योग रहता है, क्या वजह रहती है कि काम में मन नहीं लगता किसी भी व्यक्ति का? बिल्कुल, देखिए जन्म कुंडली में मंगल ग्रह हमारे पराक्रम का कारण है, हमारे हौसले का कारण है। जब भी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह खराब होता है, इंसान का काम में मन नहीं लगता, या काम कल पे छोड़ देता है, कल का काम परसों पे छोड़ देता है, तो इस प्रकार काम होता नहीं और काम डिले होता रहता है, या कभी कभी काम शुरू कर देता है बहुत तेजी से, जोश से, परंतु थोड़े दिन बाद वो काम को छोड़ देता है, यानी काम पूरा नहीं कर पाता, ये मंगल खराब की निशानी है। जब भी मंगल केतु की युति जन्म कुंडली में होगी, जब भी जन्म कुंडली मंगल शनि मंगल राहु, यानी मंगल जब भी खराब होगा, अर्थात आपके पराक्रम में कमी, आपके हौसले में कमी, आपका मन विचलित, इससे क्या है, चंद्रमा भी खराब होता है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। आपका मन विचलित रहेगा, उससे नींद नहीं आएगी आपको, और जो नींद की थकान है वो पूरा दिन रहेगी, इससे काम में मन नहीं लगा, आप लेट सोएंगे और प्रातः लेट उठेंगे, ये सबसे बड़ा कारण है। इस प्रकार के अगर सिम्टम आपके पास आते हैं तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है, और इस समस्या को करने के लिए आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, मंगल के उपाय करने चाहिए अगर आप इस समस्या से दूर होना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि उनके ये काम आएगी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।